यह है डॉज चैलेंजर और ये बहुत ही स्पेशल मॉडल है। ये 50th एनिवर्सरी मॉडल है। हाँ, इस गाड़ी को 50 साल हो गए, आप यकीन कर सकते हैं? 50 साल में भी ये LCD स्क्रीन होती थी। नहीं, एक्चुअली ये क्लासिक कार पे बेस्ड है डिज़ाइन, और इसीलिए इसका डिज़ाइन जो है आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा नॉर्मल मॉडर्न गाड़ियों से। प्लस आपको इसमें अमेरिकन गाड़ी है, तो चीज़ें भी आपको अमेरिकन गाड़ी के हिसाब से मिलेंगी। लग्जरीज इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, ज़्यादा थोड़ी सी स्पोर्ट मॉडल है। अब आप जैसे ये देखेंगे बटन्स और नॉब्स, ये काफ़ी पुराने स्टाइल के हैं, ये अब नई गाड़ियों में ऐसे होते नहीं हैं। और फिनिशिंग और उसके हिसाब से भी गाड़ी बुरी नहीं है, ओके है आजकल के लिहाज से। स्टीयरिंग पे आपको काफ़ी सारे प्लास्टिक के बटन मिलेंगे। यहाँ पे कुछ बटन से जो अभी एक्टिव नहीं है। यहाँ पे आपका फ़ोन के कुछ ऑप्शंस हैं, वॉइस कमांड, कॉल एक्सेप्ट रिजेक्ट करने की सिलेक्शन के लिए बटन्स हैं, और बाकी क्रूज कंट्रोल और डिफरेंट बटन्स हैं यहाँ पे। प्लस गियर सेलेक्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे छोटे से पैडल शिफ्ट हैं। ये तो खैर ये टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स कार से ही आई है कि आप जो है गियर चेंज कर सकते हैं बगैर स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटाए। कैसे? बस ये प्लस वाला जो स्विच है इसको अगर आप खींचेंगे गियर बढ़ेगा, माइनस वाला करेंगे तो ये कम होगा। अच्छा, डैशबोर्ड की तरफ हम देखते हैं तो बस एनालॉग डायल्स हैं बड़ी बड़ी, और एक छोटी सी LCD स्क्रीन है। अब गाड़ियों में ये सब डिजिटल हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आपका वही LCD स्क्रीन है, वो भी साइज वाइज मीडियम साइज़ है, इससे और बड़ा साइज़ हो सकता था। उसके बराबर में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ग्रिल्स दे दी हैं, और देखा जाए तो जगह बहुत है और बहुत अच्छा इंटीरियर ये लोग बना सकते थे, मगर उन्होंने हर चीज़ बहुत बड़ी बदी बनाई है। क्योंकि ये गाड़ी भी हैवी मसल कार, उस गाड़ी के लिहाज से अगर आप देखें तो उसी के हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन किया है। नीचे भी यहाँ पे गियर लेवर है, ऑटोमेटिक है, और दो कप होल्डर्स हैं, एक एशट्रे है, एक आर्मरेस्ट है, और यहाँ पे आपके पास स्टोरेज की स्पेस है, USB पोर्ट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास सीट्स काफ़ी अच्छी हैं इसमें, काफ़ी कंफर्टेबल हैं, और ये 50 लोगों के साथ है क्योंकि 50th एनिवर्सरी है। प्लस उसी में मैचिंग आपके पास पूरी स्टिचिंग जो है आपको पूरी गाड़ी में उसी लोगों के मैचिंग कलर में आपको मिलेगी, और वो स्टिचिंग कलर आपको पूरे इंटीरियर में हर तरफ नज़र आएगा। प्लस जो कार्बन फाइबर है उसमें भी, बल्कि कार्बन फाइबर भी निकलेगा, ये तो प्लास्टिक ही है, उसमें भी ये कलर है यहाँ पे हर तरफ स्टेनिबल तक पे आपको उसी कलर। अच्छा, इसमें जो इंजन है अभी आप सुन के हैरान होंगे कितना बड़ा इंजन होगा इसमें। इसमें है एक 5700 CC का इंजन, जी हाँ, जितना ही नहीं एक लैंड क्रूजर V8 में होता है। और अभी सुने, चार इंजन ऑप्शंस होते हैं चैलेंजर में, और ये थर्ड बिगेस्ट है, जी हाँ थर्ड बिगेस्ट। इससे दो और बड़े इंजन आते हैं, यानी इससे एक आता, एक बहुत ही स्पोर्ट मॉडल आता है, उसका नाम है हेलकैट एडिशन, उसकी वीडियो अलग है मेरे पास, वो होता है तकरीबन 6200 CC। और एक सबसे बड़ा मॉडल होता है उसका नाम है हेमी, यूजली कराता है वो हेमी मॉडल इंजन के नाम पे, और वो है 6400 CC। सबसे कम वाला मॉडल है वो तकरीबन 3600 CC का इंजन है। क्यों? क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी गाड़ी है। अभी आपको मैं बाहर से दिखाता हूँ, मैंने एक चैलेंजर करीब से देखी थी कराची में, बहुत टाइम हो गया है, वाइट कलर की थी, ब्लू लाइन वाली। ये आप देख सकते हैं, ये चैलेंजर 50, इसके जो है वो 50th एनिवर्सरी की वजह से नंबर भी दिया हुआ है साथ में, ये स्कूप दिया हुआ है हुड पे। बेसिकली ये इंजन डायरेक्ट लगा हुआ है, और ये एक सुराख है बोनेट के अंदर, ये हुड का हिस्सा नहीं है। इसकी हेडलाइट्स हैं, जो अंदर वाली हेडलाइट है उसमें हवा डायरेक्ट अंदर जाती है। ये इसका डिफ्यूज़र है, सॉरी यह फ्रंट स्प्लिटर है, यहाँ पे फॉग लाइट्स भी हैं, इसके व्हील्स हैं। ये काफ़ी बड़ी गाड़ी है तो ये 2-door, मगर ये एक फुल साइज़ गाड़ी के बराबर है, यानी ये आपको अकॉर्ड या कैमरी से भी बड़ी है ये गाड़ी, और स्पोर्ट्स कार कैटेगरी की है ये, मसल कार। इसमें पीछे भी जो है वो सीट्स आपको मिलेंगी आराम से, नहीं लोग आ सकते हैं, बस ये कि
सीट्स और आगे कर देंगे तो आराम से वो लोग जो है वो बैठ सकते हैं, क्योंकि सीट्स तो बहुत अच्छी बनाई मगर लेग स्पेस बहुत कम है, बहुत ही कम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ही घुस के कोई बैठ सकता है अगर जब तक कि सीट आगे ना हो, तो ये एक नुकसान है इस गाड़ी का। मगर फिर अगर आप मुस्तकिल चार लोग बैठाने तो फिर ये गाड़ी सही नहीं है आप लोग के लिए। ये है 50th एनिवर्सरी एडिशन, तकरीबन 2 लाख दरम की है। इसमें जो इंजन है उसकी डिटेल्स हाँ यहाँ हैं, 5.7 लीटर V8 और तकरीबन 370 हॉर्स पावर आता है, जो कि बहुत कम है इतने बड़े इंजन के लिहाज से, इसीलिए तो ये मसल कार है। टॉर्च की और भी वीडियोस हैं मेरे पास अपने चैनल पे, वाइपर हो गई, चार्जर हो गई, हेल्थ कैट मॉडल्स हो गए, तो उन सब की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगी। बाकी और वीडियोस के लिए आपको मेरे चैनल पर जाना होगा।